हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं फिर से आप लोग को हंसाने के लिए एक रिएक्शन वीडियो लेकर आया हूँ मार थंडरबोल्ट के चैनल से। आप सबको इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सब जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों तैयार हो जाइए पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने के लिए, क्योंकि आज हम दिखाने वाले हैं ऐसे नमूने जिनके कांड देखकर आप एक ही बात कहेंगे, बाप रे बाप, क्या ही अतरंगी लोग हैं। तो ये काफी मजेदार वीडियो होने वाली है, इसे आप पूरा जरूर देखिए। ये है कैमरा कॉट 147। दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले आप सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर ले। इस दोनों के प्यार को देखिए, इनमें प्यार इतना है कि दोनों ने 1/2 पैंट पहन ली, यानी एक ही पजामे में दो लोग। ये क्या है, इस सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। जुड़वाओ, अब पजामे के अंदर चड्डी भी एक ही पहनी है नहीं, ये हमें नहीं पता। आप इन लव बर्ड्स को क्या कहना चाहेंगे, आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है। दोस्तों यार तुम लोग का अजीब प्यार होता है यार, कसम से बोलता हूँ। इस रास्ते पर कई सारी गाड़ियां लगी हुई थी और वहीं पर सीमेंट डाला गया है, शायद यहाँ पर रास्ता बनाने का काम चल रहा है। लेकिन ये क्या, इस भाई ने रास्ते के साथ साथ गाड़ी के टायर को भी सीमेंट लगा दिया। भाई इनको रोड बनाने की इतनी जल्दी थी कि इन्होंने गाड़ियों को भी नहीं हटाया। जरा संभाल सरजी, मेरे पास दुनिया भर के सबसे बेहतरीन मजदूर है, वो हमेशा संभाल के काम करते। A few moments later, मैं गिरा होया बंदा जमा नीचे बल्ली है। दोस्त के साथ मजाक करने में लड़कों के साथ लड़कियां भी बदमाश हो गई हैं, जो कि ये रही। देखा दीदी की बदमाशी। आपने अपने दोस्त का इस होली में कैसा हाल किया, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। हम भी देखे कौन सबसे आगे है, लड़कियां या लड़कियां। ये आजकल के लड़के और लड़कियां स्कूल में किसके लिए जाते हैं? हाँ वही वाली किस। अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, भाई साहब मतलब कुछ ही बोलोगे। यकीन नहीं होता तो यहाँ देखिए, यहाँ ये सारी लड़कियाँ इस लड़के को किस पे किस देते जा रही हैं, कभी गर्दन पर, कभी गाल पे, तो कभी माथे पे। उसको सांस तो लेने दे। सही बोला भाई, इस पे ऐसा कौन सा शहद लगा है जो इसे ये गिफ्ट मिल रहा है। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हो रहा है। वैसे जरा पता लगाओ ये स्कूल आखिर है कहाँ। अरे हमारे लिए नहीं, वो दोस्त ने 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं की ना, उसके लिए पूछ रहे हैं। खाना बनाना एक कला है और इस कला को जो मास्टर करता है उसे मास्टर शेफ कहते हैं। पर जरा इस डिश को देखिए, इसने खाना इतना जला दिया कि फ्लिप करने के बाद खाना गायब ही होने लगा। जादूगर है। अरे इधर तो था, कहाँ गया है? ऐसे मास्टर शेफ को किचन में जाने से लाइफ टाइम के लिए बैन करना चाहिए, और इसे शेफ नहीं जादूगर बोलना ही सही रहेगा। पलटते ही खाना गायब। अगर आपके दोस्तों में कोई ऐसा मास्टर शेफ है तो उसे जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए। दोस्तों आपने कई सारे प्री वेडिंग शूट देखे होंगे, लेकिन ये वाला फोटो शूट थोड़ा हटके है बॉस। क्या कर रही है? तो देखा आपने, ऐसा पोज तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। अगर गलती से भी इनके घर वालों ने ये वाला फोटो देख लिया तो भाई गया समझो। आप में से कौन कौन इस वाले पोज में अपना प्री वेडिंग करना चाहेगा, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। नई ड्रेस लेने के बाद लड़कियां ऐसे ही खुश होती है जैसे ये बंदरियां खुशी के मारे गोल गोल नाच रही हैं। लगता है जग्गू बंदर ने इसे प्रपोज किया है, इसीलिए ये इतने खुश है। मुझे लगता है शेयर करो अपनी ऐसी दोस्त को जो खुश होने पर ऐसे ही नाचती है। अब दुनिया पर हमला नहीं हो रहा तो बेरोजगार स्पाइडरमैन प्याज बेचते हुए नजर आया। कांदे ले लो। और अब तो ये दीवार पेंट करते हुए भी दिखाई दिया। स्पाइडर का
भाई बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह स्किल्स दिखाते हुए दीवार पेंट कर रहा है, जिसे पीटर पार्कर नहीं पेंटर पार्कर बोलना सही रहेगा। क्यों सही कहा ना? लोग जेल में जाने से काफी डरते हैं, पर इस जेल का माहौल कुछ अलग ही है। यहाँ इन पुलिस ऑफिसर का और कैदी का मस्त ड्यो डांस चल रहा है। ऐसे जेल में तो लोग जाना पसंद करेंगे। ये दुनिया का पहला जेल होगा जहाँ कैदी जेल जाने के बाद भी खुश होगा। ये तो सजा में भी मजा ले रहे हैं। गुनाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है, बिल्कुल कबूल है भाई बाप। अब जरा इस वीडियो को देखिए। ये लड़का इस लड़के के साथ चिपक कर डांस करने की कोशिश कर रहा था, पर लड़के ने क्या किया ये आप खुद देखिए। अगर तू मेरे सामने आ रहा तो गोबर में झाड़ू डुबो डुबो कर पीटूंगी तुझे। बेबी सुनना लो। तो देखा इस लड़के ने तो उसे किक ही दे दी। भाई बाल बाल बच गया, वरना आज भाई के अखरोट फूट जाते। ये भाई विदाउट चप्पल बाइक चला रहा है, पर इसका ऐसे गाड़ी चलाने का रीजन ये रहा, इसकी चप्पल इन दीदी के स्कूटी में फंस गई। पर मेन सवाल ये है कि इसकी चप्पल आखिर वहाँ फंसी कैसे? आपको क्या लगता है? अगर आपके पास इसका जवाब है तो हम सब के साथ शेयर जरूर करें। सोचना पड़ता है दोस्तों, जब हमारी पैंट पुरानी हो जाती है तब हम उसे काट कर छोटी कर देते हैं और शॉर्ट्स बनाकर पहनने लगते हैं। लेकिन जब आप 5 मिनट ऑफ क्राफ्ट देखते हैं तब क्या होता है ये आप इस क्लिप में देखिए। Few moments later. Hey Prabhu, hey Prabhu, hey Hari Ram Krishna Jagannath. तो देखा जैसे ही ट्रेन आने लगी इन लड़कियों ने अपनी पैंट निकाली और रेलवे ट्रैक पर बिछा दी, जिसके बाद इनकी शॉर्ट पैंट बनकर तैयार हो गई। आप ऐसा कुछ करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा। डांस करने में एक अलग ही मजा है और वो मजा डबल हो जाता है जब आप अपने दोस्तों के साथ डांस करते हैं। लेकिन जब दोस्त ऐसे हो तो उनसे दूर रहना ही बेहतर। वो क्यों ये आप यहाँ देखिए। देखा इस भाई का डांस करने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। क्या आपके दोस्त भी ऐसे ही डांस करते हैं? तो उन्हें इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। झूले आपने कई तरह के देखे होंगे, पर ये किस टाइप का झूला है भाई? इसे जिस किसी ने भी बनाया है बड़ा कंफ्यूज इंसान लगता है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। अब लोग झूलते झूलते हल्के हो सकते हैं या हल्के होते होते झूल सकते हैं। क्या आप इस झूले पे बैठना चाहेंगे? बस एक बात का पता नहीं कि इस पे चड्डी पहन के बैठना है या उतार के। ये समस्या है। अब डांस की बात हो रही है तो इन अतरंगी डांसर्स पे भी एक नजर मार लीजिए, जिसने अपने और लड़के के बीच में घुसने वाले इस भाई को लात मार दी और फिर से नाचने लगा। ये भाई भी ढूंढ रहा है ये लात पड़ी तो पड़ी कहाँ से, और कुछ पता नहीं चलने पर फिर से शुरू हो गया। भाई जगह कोई भी हो ऐसे कांड तो होते ही रहते हैं। जब डांस पे प्रैक्टिस कम पड़े तो देखिए क्या होता है। दीदी ने स्टेप तो बढ़िया बैठाया था, पर इन्होंने प्रैक्टिस ज्यादा नहीं की थी शायद, इसीलिए अपने दोस्त को उठा नहीं पाई और इनका पोपट हो गया। क्रिकेट में काफी बार मजेदार मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। अब इसी वीडियो को देखिए, जैसे ही बैट्समैन ने मारा हुआ बॉल फील्डर कैच करने भागा वहाँ लाइट चली गई। चिटिंग चिटिंग
अब ये बैटिंग वाली टीम की चाल थी या सच में लाइट गई पता नहीं दोस्तों, आपको क्या लगता है बताइए मुझे। आपने लोगों को हुला हूप करते हुए देखा होगा जिसमें एक बड़ी रिंग को कमर से घुमाते हैं, पर अब इससे भी एक स्टेप ऊपर वाले प्रोफेशनल्स को देखिए जो कमर से नहीं बल्कि अपने पिछवाड़े से कारनामा कर रही है। यार हमसे कमर से हुला हूप नहीं किया जाता है और ये लड़की पिछवाड़े से कर रही है। इसका ये टैलेंट देख के तो चाचा जी भी चौंक गए। लोग ट्रैफिक में फंसने के बाद काफी ज्यादा बोर हो जाते हैं, लेकिन जरा इस आंटी को देखिए। इस आंटी ने ट्रैफिक में खड़े होकर टाइम वेस्ट नहीं किया बल्कि आंटी तो मटर छीलने लग गई। आंटी भी कह रही होगी जब तक जाम लगा है तब तक मटर छील लेती हूँ, फिर घर जाकर डायरेक्ट सब्जी ही बनाऊंगी। दोस्तों हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि हमेशा बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, जो कि सही बात है। वैसे ही इस भाई को देखकर आपको भी यही लग रहा होगा कि ये कितना संस्कारी है जो सबके पैर छू रहा है, लेकिन जरा ध्यान से देखिए वीडियो को। संस्कार तुमसे बड़े हैं इसके। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बलिए। तो देखा भाई तो अपने ही पैर छू रहा है, जबकि आंटियां ये वीडियो देखेंगी तब भाई की खैर नहीं। क्यों सही कहा ना, हाथी घोड़े की सवारी तो सभी लोग करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी को शेर की सवारी करते हुए देखा है? नहीं ना। तो जरा यहाँ देखिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो देखा इस भाई ने तो अपनी गाड़ी को ही शेर बना दिया, लेकिन इस शेर को देखने के बाद सबको डर लगने के बजाय हंसी आने लगेगी। क्यों सही कहा ना, बिल्कुल भी मत करिएगा भाई। डांस ऐसा करो कि लोगों की तालियां और हंसी दोनों रुकनी नहीं चाहिए। यहाँ ये लड़की डांस कर रही है और पीछे खड़ा लड़का पाउडर उड़ाने का काम कर रहा है जो इस लड़की से भी ज्यादा मेहनत कर रहा है। और हाँ एक बात और, ये जो डांस कर रही है वो भी एक लड़का है, तो इनका डांस आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। जब घूमने वाले सीसीटीवी बजट में ना हो देखिए लोग क्या जुगाड़ लगाते हैं। यहाँ किसी ने फैन के ऊपर ही सीसीटीवी लगा दिया, अब एक कोना भी नहीं बचेगा इनकी आंखों से। जब तुम बीमार आदमी करते कैसे हो ये सब? लोगों के पास पैसे कम है ऐसी बात नहीं है, उनके पास दिमाग ज्यादा है। क्यों सही कहा ना। तो अगर आप इस वीडियो का पार्ट 148 देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए पार्ट 148। आज की वीडियो में इतना ही, आपको इनमें से किसका कांड सबसे ज्यादा फनी और हंसा देने वाला लगा आप हमें कमेंट्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।